हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन फॉरम सांगला और आज हम बात कर रहे हैं शक्कर यानी डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स की। दिवाली अब आने को ही है और हम सब घर पे या मिठाइयाँ बनाएंगे या हमारे घर पे मिठाइयाँ आएंगी, तो ये शक्कर से हम कैसे इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत टाइप की शक्कर अवेलेबल है। शुरू करते हैं हम रिफाइंड शुगर से, जो हम नॉर्मली घर पे जो चाय और बाकी सब चीजों में जो डालते हैं, व्हाइट कलर की जो ग्रैन्यूलर रिफाइंड शुगर है वो। खड़ी शक्कर मिलती है जो होता है रॉक शुगर। उसके बाद हम बात करते हैं पाम शुगर, कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर, इन सब की जो थोड़े से ब्राउन कलर्स में जो वैरायटी है वो। फिर हम बात करते हैं हनी, मोलासेस, मेपल सिरप की, और फिर हम लास्ट में बात करते हैं गुड़ की, जो आजकल गुड़ इवन पाउडरी जो शक्कर के फॉर्म में अवेलेबल है। ये सब चीज़ों में अगर हम कैलोरीज की बात करें सबसे पहले, बिकॉज उसी से हम ज़्यादा वर्ड होते हैं कि हम शक्कर खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, हमारी कैलोरी वैल्यू जो डाइट की है वो बढ़ जाएगी। तो हम शक्कर की बात करें तो हैव टू बाइफोगेट कि कौन सी शक्कर में कितनी कैलोरीज हैं। तो हम ऐसे बाइफोगेट करेंगे जो वाइट शुगर है, कोकोनट शुगर है, ब्राउन शुगर है, इन सब में इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, यानी 4 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ शुगर। और अगर हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं, जैसे हनी है, मेपल सिरप है, जैगरी यानी गुड़ है, तो दैट इज 1 कैलोरी लेस, 3 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ द पर्टिकुलर शुगर। कैलोरी वाइज तो हमने देखा ज्यादा फर्क नहीं है, तो हेल्थ वाइज इनका क्या फर्क होता है हमारी बॉडी में? तो जब हम रिफाइंड शुगर्स खाते हैं तो उसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, जो डायबिटिक्स होते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल तुरंत स्पाइक हो जाता है अगर कोई वो मीठी चीज़ खाते हैं तो। क्यों? क्योंकि शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। हमें ऐसी शुगर सिलेक्ट करनी है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम हो, ताकि वो जब हम खाएं, हम या कोई भी डायबिटिक खाए, तो उनका शुगर स्पाइक ना हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसी शुगर अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे पाम शुगर की। पाम शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 38 एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल शुगर विच इज 65, ठीक है। सबसे पहली बेनिफिट पाम शुगर की, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। सेकंड, पाम शुगर्स में जो ट्राइग्लिसराइड, जब एक बंदे का ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल में एक फैक्टर होता है ट्राइग्लिसराइड, जब वो बढ़ जाता है तो विद इन 2 to 3 ईयर्स उसको शुगर आ जाती है, शुगर की बीमारी आ जाती है। ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है फ्रक्टोज शुगर के ज़्यादा इंटेक करने से, जो फ्रूट्स में भी पाई जाती है, जो नॉर्मल शक्कर से भी फ्रक्टोज ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये जो फ्रक्टोज शुगर है उसकी मात्रा भी काफ़ी कम है, प्लस इट इज हाई इन फाइबर। तो ये 3 चीज़ों के वजह से पाम शुगर लेने से आपकी ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं होती है, तो इट्स वेरी सेफ फॉर अ डायबिटिक, ठीक है। अगर प्रोपोर्शन में खाएं तो, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान करेगी। देन हम आते हैं गुड़, हनी एंड मेपल सिरप पे। ये 3 जो है इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और इनकी भी कैलोरी वैल्यू नॉर्मल शुगर से कम है, इसलिए हम गुड़ की जो बनाई हुई स्वीट्स हैं वो खाएंगे तो हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मिनरल्स यानी पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं वो बॉडी को काफ़ी फ़ायदा करती हैं, तो इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है गुड़, हनी और मोलासेस, मेपल सिरप, इन सब में, ठीक है। अब वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, ये सेम ही होता है, बिकॉज ब्राउन शुगर में थोड़ा सा मोलासेस डाला जाता है और बाकी ज़्यादा, सो आई वुड से 5 to 10% ऑफ मोलासेस एंड बाकी जो 90% है वो वाइट शुगर है। तो अगर बाइफोगेशन अगेन हम एक रिविजन लेंगे लास्ट में, तो वाइट शुगर, कोकोनट शुगर, ब्राउन शुगर, ये सब हम एक कैटेगरी में करेंगे। पाम शुगर, हनी, मेपल सिरप और गुड़, ये हम एक कैटेगरी में करेंगे। तो जो दिवाली के स्वीट्स हैं वो इससे ट्राई कीजिए, इनोवेशन कीजिए कि क्या आप बना सकते हैं पाम शुगर से, गुड़ से इस बार। सो रिप्लेस योर वाइट शुगर विथ दीज हेल्दी शुगर्स।
मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।